हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 9वीं राजनीति शास्त्र का चौथा पाठ संयुक्त राष्ट्र पढ़ने वाले हैं। 20वीं शताब्दी में दो बड़े विश्व युद्ध हुए थे, जिनके कारण भारी मात्रा में जान माल के, जनधन के हानि हुई थी। तो वैश्विक स्तर पर यह विचार किया जाने लगा कि अब विश्व में शांति की आवश्यकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, क्योंकि वैश्विक स्तर पर विचार मंथन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग यह सोचने लगे कि इस प्रकार के जो युद्ध हैं, इनसे सिवाय तबाही के और कुछ हासिल नहीं होने वाला। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु और अणुबम के प्रयोग ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा हो, वैश्विक शांति, इस उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, ताकि विश्व में अमन और चैन की स्थापना हो सके। तो इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का कालक्रम, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सन में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र के तत्व, मुख्य किन तत्वों को ध्यान में रखा गया, संयुक्त राष्ट्र की रचना, संयुक्त राष्ट्र से संलग्न संस्थाएं, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो बहुत सी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी, तो वे कौन सी संस्थाएं थी या कौन सी संस्थाएं हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे, और स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा, संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा, संयुक्त राष्ट्र और भारत। तो इस पाठ में हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि क्यों जरूरत पड़ी, कब इसका निर्माण किया गया या कब इसकी स्थापना की गई, किन किन उद्देश्यों को मद्देनजर रखा गया, किन किन देशों ने इसमें सहभाग लिया, आज कितने राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र क्या है। पाठ 4, संयुक्त राष्ट्र। इस अध्याय में नया क्या सीखने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया। इस संगठन के उद्देश्य, तत्व, रचना और शांति रक्षा की उसकी भूमिका, इनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पार्श्वभूमि। 20वीं शताब्दी के आरंभ में दो विश्व युद्ध हुए। इन विश्व युद्धों के कारण बड़ी मात्रा में जीवित एवं धन हानि हुई। इस कारण वैश्विक शांति स्थापित करने हेतु एक कार्य प्रणाली निर्मित की जानी चाहिए। इस दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, इनकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुए राष्ट्रसंघ को अधिक सफलता नहीं मिल पाई और यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में भी क्या रहा था, असफल रहा। किंतु दूसरे विश्व युद्ध में अणु बम का उपयोग करने के बाद इस तरह के विनाशकारी युद्ध रोकने चाहिए, यह सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है, यह विचार सामने आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इस तरह की भावना सभी राष्ट्रों में निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा हो,
वैश्विक शांति के को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का कालक्रम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के अध्यक्ष फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन दोनों में अटलांटिक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण हेतु एक स्थायी व्यवस्था निर्माण करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जालमान की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी और सबको वैश्विक शांति की चिंता होने लग गई थी। इस निर्णय पर वर्ष 1944 और 45 में हुए मित्र राष्ट्रों की परिषद में विस्तृत चर्चा की गई तथा उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के समझौते का मसौदा तैयार किया गया। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1945 में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर संयुक्त राष्ट्र की सनद तैयार की। इस सनद पर हस्ताक्षर कर युद्ध समाप्त होते ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य। जब हम कोई भी संगठन की स्थापना करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संगठन के भी उद्देश्य थे। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। प्रारंभ में केवल 50 देश इस संगठन के सदस्य थे, परंतु आज यह संख्या 193 हो गई है और ये सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। संक्षेप में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संगठन विश्व शांति के लिए आवश्यक सभी उपाय योजना करता है। राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को शांतिपूर्ण मार्ग से हल कर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना, मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता का संरक्षण तथा संवर्धन करना, इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना भी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के राजनीतिक विशेषाधिकारों का आदर करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समझौते का पालन करना आदि सभी सदस्य राष्ट्रों का कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों द्वारा एकत्रित होकर निर्माण किया गया संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अतः वह कुछ तत्वों या नियमों पर आधारित है। तो संक्षेप में ये तत्व निम्न प्रकार से हैं। संयुक्त राष्ट्र के तत्व यानी कुछ नियम सभी देशों के लिए बनाए गए हैं। सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान होगा। सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान होगा। भौगोलिक आकार, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को एक दूसरे की स्वतंत्रता और भौगोलिक एकात्मकता का आदर करना होगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवाद, पारस्परिक विवाद शांतिपूर्ण मार्ग से हल करें। फिर संयुक्त राष्ट्र की रचना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सनद में इस संगठन की रचना एवं कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग अथवा शाखाएं हैं, जिनमें अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है, सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है और इनके कार्य क्या है ये बताया गया है। तो 6 शाखाएं हैं, उनमें से पहली है आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां न्यास मंडल, 6वां है सचिवालय। इन 6 शाखाओं के अतिरिक्त
संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की अनेक संलग्न संस्थाएं हैं, उन्हें विशेष कार्यात्मक संस्था कहते हैं। विशिष्ट कार्य क्षेत्र में काम करने वाली ये संस्थाएं विश्व के राष्ट्रों को उन कार्यों में सहायता करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO, अन्य तथा कृषि संगठन FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व बैंक WB, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष UNICEF, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ UNESCO, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इनके फुल फॉर्म पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे।